फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली स्टाइल हलवा वाली नीमकी रेसिपी। ये नीमकी मैं एक अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। आप हर एक स्टेप फॉलो कीजिए, 100% क्रिस्पी होगा, ये मेरा गारंटी है। आप जरूर बनाइए, बनाना बहुत ही ईजी है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वादिना और आप देख रहे हैं अपनी चैनल लाभ डॉट स्वादिना। मैं यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो 1 कप आटा और 1 कप मैदा यूज कर सकते हैं। लिया है अजवाइन। अजवाइन को ऐसा हाथों में क्रश करके डालने के बाद इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। लिया है 1/2 चम्मच कलौंजी, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है। और स्वाद अनुसार नमक। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी दीजिए 2 चम्मच रिफाइंड तेल और अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कीजिए। जितना अच्छे से मैदा के साथ मिक्स करेंगे उतना अच्छा क्रिस्पी बनेगी। देखिए, अभी तेल और मैदा अच्छे से मिक्स हो गया और हाथों में ऐसा डो बना के थोड़ा सा प्रेस करने के बाद टूट रहा है, तो समझिए अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। पानी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रीजर का ठंडा पानी भी नहीं और गर्म पानी भी नहीं। हम जो डो बनाएंगे ना, ये डो थोड़ा सा सख्त रखना है। देखिए, अभी डो रेडी हो गया। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए ढक कर रखते हैं। तो अब हम एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल लिया है। बाउल में 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच तेल लेके अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी 15 मिनट हो गया है। 15 मिनट के बाद देखिए डो कितना सॉफ्ट हो गया। और अभी इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं। अभी हम इसको इक्वली क्वांटिटी में कट कर लेते हैं। उसमें से एक हिस्सा लेके अच्छे से चिकना करके रोटी जैसा बेल लेंगे। इसको थोड़ा सा पतला बेलना है। देखिए, अभी रोटी जैसा बेल लिया है। अभी हम इसके ऊपर जो पेस्ट बना के रखी थी वो अभी ग्रीस कर लेंगे। देखिए, अच्छे से रोटी के ऊपर लगा लिया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लेके स्पिंज कर लेते हैं। और एक साइड से ऐसा करके फोल्ड करके रोल जैसा रेडी कर लेंगे। देखिए, अभी रोल जैसा लग रहा है ना। अभी हम इसको बीच में से काट कर लेते हैं और इसको अभी छोटा छोटा पीसेस में काट कर लेंगे। उसमें से एक हिस्सा लेके हाथ देख के थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं और प्रेस करने के बाद इसको बेल लेंगे। देखिए, ये पूरी जैसा बेल लिया है। इसके ऊपर जो पेस्ट बना के रखी थी ना, वो अभी पेस्ट लगा लेंगे और थोड़ा सा मैदा स्पिंच करके त्रिकोण परोटा जैसा शेप दीजिए। और इसके ऊपर फोक दे के पिक कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, ये फूलेगा नहीं। और फूलने के बाद क्या होता है ना, नीमकी नरम हो जाता है। अभी तेल गर्म हो गया और गरम तेल के ऊपर एक एक करके नीमकी डाल देते हैं। पहले तेल को अच्छे से गरम करना है। गरम तेल के ऊपर नीमकी डालने के बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। नीमकी फ्राई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इससे क्या होता है ना, नीमकी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। ऐसा करके तेल को हिलाते रहना है तो सॉफ्ट साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अभी नीमकी को तेल में डालने के बाद लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है।
देखिए अभी कलर चेंज हो गया, अभी फ्राई हो गया। अभी इसको उठा लेते हैं। कढ़ाई से निकालने के बाद टिश्यू पेपर यूज कीजिए। इससे क्या होता है ना, निमकी के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं और एक नया रेसिपी लेके। तब तक आप आपका ख्याल रखिए। We'll be right back.